एक समय की बात है, मुनमुन चिड़िया अंडे देने के लिए नए पेड़ की तलाश करते हुए जंगल में घूम रही थी। सुबह से शाम हो गई, घर बनाने लायक कोई अच्छा सा पेड़ ही नहीं मिल रहा। तब मुनमुन चिड़िया को एक तालाब दिखता है। तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है। अरे वाह, लगता है दिन भर की मेहनत ने रंग लाया। इतना अच्छा सुंदर पेड़ आखिरकार मिल गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया ने पेड़ पर एक सुंदर सा घर बनाया और दो अंडे दिए। मुनमुन चिड़िया अंडों की अच्छे से देखभाल करने लगी। काफी दिन हो गए हैं ताजी हवा खाए, कुछ देर बाहर घूम कर आती हूँ। इतना कहते हुए बाहर घूमने चली गई। पर जंगल में उसे लेकर अजीब सी बातें चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ कुछ चिड़ियों के पास गई और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे लेकर जंगल में ये किस तरह की बातें चल रही हैं? तो उनमें से एक चिड़िया ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं जहाँ तुमने अपना घर बनाया है वो कितनी खतरनाक जगह है? वहाँ जिसने भी घर बनाया वो नहीं बच पाया है। मुनमुन चिड़िया घबराते हुए पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वहाँ ऐसा क्या है जहाँ कोई घर नहीं बनाता? अरे वहाँ तालाब के पास एक खूंखार बिल्ली रहता है और वहाँ रहने वाले सभी छोटे जीवों को मार कर खा जाता है। अरे तुम गिन भी नहीं पाओगी, इतने पंछी इतने छोटे जानवर को खा गया है वो बिल्ला। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, बड़ा निर्दय है वो बिल्ला। इतना सुनते ही मुनमुन चिड़िया घबराते हुए अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसका घर टूटा हुआ था और दोनों अंडे वहां नहीं थे। वह समझ गई उसके अंडों के साथ क्या हुआ होगा। मुनमुन चिड़िया अपने दुख को रोक नहीं पाई और फूट फूट के रोने लगी। मुनमुन ने अपने आंसू पोंछे और उसने ठान ली कि उसके बच्चे की मौत का बदला उस बिल्ली से जरूर लेगी। उसने इलाके की सभी चिड़ियों से मदद करने को कहा, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ बिल्ली से लड़ सके। तो मुनमुन चिड़िया ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों का मौत का बदला अकेले ही ले सकती हूँ। तब उसने सोच समझकर एक प्लान बनाया। वह तालाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी कहीं ले जा रही थी। इस तरह महीनों बीत गए, सब उस घटना को भूल गए थे। सबको यही लग रहा था, बेचारी मुनमुन बच्चों की मौत के बाद दुख से पागल हो गई है। एक दिन मुनमुन चिड़िया बिल्ली की गुफा के पास आकर चुनौती देती है, अरे ओ बागड़ बिल्ली, दम है तो बाहर निकल, मुझे पकड़ के दिखा, बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार, अब नहीं सहा जाएगा, आज आर या पार पता चल जाएगा, कहाँ मुँह छुपाए बैठा है, बाहर निकल। ये कौन है जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? लगता है अपने जीवन से मन भर गया है उसका। अरे तू पृथ्वी भर की चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है, जीवन से मन भर गया है क्या तुम्हारा? अरे वो भद्दी सी शक्ल वाले बिल्ले, तू क्या मुझे मारेगा? आज तो तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। कॉमेडी अच्छा कर लेती हो, पर ना ही मैंने यहाँ लाफ्टर चैनल का ऑडिशन रखा है, ना ही मैं हंसने के मूड में हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। क्यों डर गए? डर उन्हीं को लगता है जो डरपोक होते हैं। इतना कहते ही बिल्ली मुनमुन की ओर दौड़ा। आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे डरपोक कहा। बिल्ली मुनमुन का पीछा करते करते एक दलदल में गिर गया। दलदल में नुकीले पत्थर और लोहे के छल्ले थे जो बिल्ली को चुभ गई और बिल्ली वहीं तड़प तड़प कर मर गया। सारी चिड़ियों ने मिलकर मुनमुन को शाबाशी दी और पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? तो मुनमुन ने कहा, मैं पागल नहीं थी जो तालाब से पानी ला रही थी, मैंने पानी डाल डाल कर यहाँ दलदल बना दिया और लोहार के वहाँ से लोहे के छल्ले लाकर यहाँ डाल दिया। सभी चिड़ियों ने मुनमुन से माफ़ी मांगी। कुछ महीने बाद मुनमुन चिड़िया ने तालाब के पास घर बनाया, दो बच्चों को जन्म दिया और खुशी खुशी रहने लगी।
सीख यहाँ मिलती है, ये भी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए। बड़े हो तो लड़ो मत, छोटे हो तो डरो मत।